ओम शांति कर्म करते योग युक्त रहना बहुत सुंदर साधना है इसका अर्थ होता है कि हम कर्म कॉन्सियस न हो कर्म का प्रभाव हम पे न रहे कर्म करते हम थोड़ा कर्म से डिटैच हो और बुद्धि सर्वशक्तिवान से लगी हुई हो प्रसिद्ध हैं कुछ चीजें प्राचीन काल के ऋषियों की कि वे चलते फिरते भी समाधिस्त रहते थे आदि शंकराचार्य और कुछ ऋषि मुनि भी ये वही स्थिति है कि चल फिर रहे हैं देख रहे हैं नीचे और दिव्य नेत्र से ऊपर देख रहे हैं अपने परमपिता को यहां भी लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन असलियत में जुड़े हुए हैं अपने परम पिता परम शिक्षक और परम सदगुरु से ये राजयोग कर्मयोग है और जब ये राज्योग कर्मयोग बन जाता है तो जीवन का आनंद ही कुछ और होता है आप सभी के पास कर्मयोग की पूरी प्रैक्टिस का प्रोग्राम आ रहा है और सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे तो योग की सभी समस्या समाप्त होंगी हम सरल सरल सी विधि पहले आपके समक्ष रखेंगे जो सहज की जा सकती हैं पर ध्यान ये देना होगा कि कर्मेंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त रखें सुनने का रस देखने का रस बोलने का रस खाने का रस ये जो रस हैं कर्मेंद्रियों के आत्मा को नीचे की ओर खींच ले आते हैं मन में व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव तेज कर देते हैं और तब योग युक्त स्थिति रह नहीं पाती है हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर योगी जीवन बनाना है तो स्थिति को योग युक्त अवश्य करना होगा बिना कर्म योग के कोई कर्मातीत नहीं हो सकता बिना कर्म योग के कोई दिव्य कर्म भी नहीं कर सकता अद्भुत कला है ना रह नीचे रहे हैं पर सचमुच नीचे नहीं रह रहे हैं ऊपर रह रहे हैं देख संसार को रहे हैं परंतु तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं नई दुनिया को देख रहे हैं तीनों लोगों को देख रहे हैं तीनों कालों को देख रहे हैं इधर लोगों की भी सुनते हैं पर भगवान को सुन रहे हैं उसके प्यार की अनुभूति कर रहे हैं यहाँ प्यार बांट रहे हैं ऊपर से प्यार ग्रहण करते जा रहे हैं ऐसी पवित्र आत्माएं संसार के लिए बहुत बड़ी शोभा हैं, ऐसे योगी चलते फिरते लाइट हाउस होते हैं ऐसी योग युक्त आत्माओं की उपस्थिति ही संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होती है जिधर वो देखते हैं उधर उनके वाइब्रेशंस फैलते जाते हैं वे धरती पर चलते हैं धरती में पवित्र वाइब्रेशंस समाते रहते हैं वे जिन वस्तुओं को अपने पवित्र हस्तों से स्पर्श करते हैं उनके पवित्र वाइब्रेशंस उन सब में समा जाते हैं। तो चलते फिरते सहज भाव से प्रकृति की सेवा और विश्व की सेवा ऐसे महान योगियों के द्वारा होती रहती है तो हम बहुत ध्यान दे बाबा के एक महावाक्य पर मैं बहुत उसको रिपीट करूँगा और करता रहता हूँ तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करना बुद्धि को मनुष्य ने बहुत भटकाया है न जाने उसमें क्या क्या गंदगी भर ली है ऐसी चीजें भर ली जो बुद्धि को स्थिर रहने ही नहीं देती हैं, लेकिन हमें बुद्धि को चारों ओर से हटाकर अंतर्मुखी होकर एक में लगा देना है तो कर्म करते बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे यद्यपि पंद्रह दिन का ही थोड़ा सा समय इस अभ्यास के लिए है लेकिन पंद्रह दिन भी यदि हम धुन लगाएंगे तो कुछ चीजें हमारी आदत में सुमार अवश्य हो जाएंगी और तब हम योग युक्त होकर कर्मों के प्रभाव से भी मुक्त रहेंगे और संसार में ऐसे विचरण करेंगे मानो यहाँ हम रहते ही ना हो ओम शांति